स्वागत है आप सभी का आज की इस क्विज कॉम्पिटिशन में क्लास 9 के बच्चों के साथ उदय क्लासेस में। यहाँ पे क्विज लगातार जारी है, तो चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं। बताएंगे यहाँ पर अमित जी, खारे पानी का एक झील का नाम बताएं जो भारत में स्थित है। चिल्का झील। कौन सी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है? कोसी नदी। किन नदी तंत्रों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? किन नदी तंत्रों के द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिलों से उत्पन्न होकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का नाम कौन सा है? तापी नदी। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म तथा शीत ऋतु दोनों में वर्षा जल प्राप्त करती है? कावेरी। लद्दाख, गिलगित तथा पाकिस्तान से बहने वाली नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। ब्यास कुंड से उत्पन्न होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? व्यास। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी कौन सी है? झेलम नदी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। ग्रीष्म में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जून के प्रारंभ में। शीत ऋतु की एक विशेषता बताएं। गर्म दिन एवं ठंडी रातें हैं। ओके, सामने देखकर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले दो महीने कौन से हैं? सबसे ज्यादा बारिश किस महीने में होती है, किनका है? सानू जी बताइए। हाँ, जुलाई अगस्त। किस प्रदेश में दिन और रात के दैनिक तापमान में अंतर नहीं होता है? केरल। भारत में कितने प्रकार की जलवायु है? चार। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? अमित जी आपका थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में होने वाले मौसम के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई है? मौसम। थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान। लू शब्द का क्या अर्थ है? गर्म हवाएं। भारत के सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक का है? शीत ऋतु कब से कब तक रहती है, किनका है? बताइए प्रीति जी, बताइए। भारत में शीत ऋतु का समय कब से कब तक रहता है? शीत ऋतु यानी ठंडे जाड़े की ऋतु। नवंबर से फरवरी तक। एलिनो क्या है? गर्म समुद्री जलधारा। किन पवनों के कारण दक्षिण पश्चिम तट पर वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं। गर्मी के समय उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू। किस ऋतु में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है? शीत ऋतु। भारत को कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने वोट डालने का अधिकार है? एक। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 2015। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। गौतम। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग प्रदान करता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने प्रीति जी, इसी तरह से लगे रहिए, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। बाकी बच्चों के साथ मिलते हैं अगले राउंड में।